तो भाई क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक कार्ड का पैक है हमारे पास में, हम उसमें से हमारे उस पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड एक्सीडेंटली गिर जाता है, गलती से हमसे गिर जाता है, तो हमने बताना है कि वो कार्ड जो गिर रहा है उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक देखो टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में, टोटल कार्ड, हाँ टोटल कार्ड्स होते हैं 52 और एस उसमें कितने होते हैं, फोर होते हैं, एस फोर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा, 4/52 है ना, 4 से 52 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1/13। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी जो एक कार्ड पैक ऑफ कार्ड में से गिर रहा है एक्सीडेंटली गिर रहा है उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/13। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें हमसे कहा गया है एक नंबर को सेलेक्ट करना है हमने, 1 से 25 तक हमारे पास में नंबर्स हैं और उनमें से कोई भी एक नंबर हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो नंबर प्राइम हो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है ना, तो हमारे पास में कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 25 तक नंबर्स हैं और उन नंबर्स में से प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालना है। तो देखो भाई, 1 से लेकर के 25 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इतने प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास में, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 25 तक इतने प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, तो टोटल 9 नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 25 तक। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास में आएगा 9/25, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक कितने नंबर्स होंगे, टोटल 25 नंबर्स होंगे ना, टोटल तो 25 नंबर्स होंगे और उनमें से कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 9, जो कि यहाँ पर हमने लिख लिया है ना। तो 1 से लेकर के 25 तक प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 9/25। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12th में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा नंबर जो यहाँ पर दे रखा है ना आपको, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकते हैं। याद रखो, कोई भी निगेटिव नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो 0 point something में होता है, 0 point something में होता है, 1 से बड़ा कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, -0.5 नहीं हो सकता है, हमेशा 0 point something में होगा प्रोबेबिलिटी, 0 point something में होगा अगर वो डेसिमल फॉर्म में है, 0 point something के फॉर्म पे होगा। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ऊपर न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में है तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको गिवन होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2/3, न्यूमरेटर छोटा है, 2 छोटा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2/3, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख करके जाएंगे तो ये 0 point something के फॉर्म में आएगा, तो 0 से 1 के बीच में आएगा ये, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। -1.5, 0 से छोटा हो गया ये तो, और हमें पता है कि 0 से छोटा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो ही नहीं सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, 15% पे 15 ऊपर और नीचे 100, तो यानी कि ये 0.15 आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा ये, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकते हैं, और ये 0 point something ये तो लिख दिया है ना, और हमें पता है कि 0 point something अगर हमारे पास में है तो 0 से 1 के बीच का ये नंबर है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकते हैं, तो सिर्फ ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताना है कि कौन सा
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है 0.05, यानी कि किसी इवेंट के होने की संभावना कितनी है 0.05। अब हमने देखा कि ये 0. समथिंग के फॉर्म में, तो ये बिल्कुल करेक्ट प्रोबेबिलिटी है। अब हमने बताना है कि इवेंट ना हो, है ना, नॉट इवेंट यहाँ पर लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमने बताना है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया है 0.05, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बताना है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको दिया हो और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट बताना है, तो वन में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है इसको हम वन में से माइनस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास में है 0.05, वन में से 0.05 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.95, तो ये जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट होगा। तो ऑप्शन डी में हमको दिया है 0.95, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट होगा 0.95, जब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा 0.05। हाँ, बुक का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट नहीं हो सकता। तो हमें पता है जो जीरो से छोटा होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है, जो वन से बड़ा होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट नहीं हो सकते हैं, 0. समथिंग होगा तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस इवेंट हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर कोई हो सकता है तो वो किस में होगा, वो 0. समथिंग में होगा। हाँ, अब देखो इस फर्स्ट ऑप्शन में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है 0.2, और हमें पता है 0. समथिंग में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको गिवन है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट करेक्ट है, तो ये तो सही है भाई। अब यहाँ पर दिया है 0.4, ये भी सही है, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, तो सही हमको दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.8, ये भी 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये भी सही है हमारे पास में, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकता है। अब 1.6, ये तो 1 से बड़ा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और हमें पता है कि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्योंकि 1 जब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो वो श्योर इवेंट होता है, यानी कि इवेंट होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होता है 1, तो 1 से ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो ही नहीं सकता है, है ना, तो ये गलत है यहाँ पर, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी गलत है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता है, तो कैनॉट पूछा हुआ, तो ये डी ऑप्शन अभी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है, 1.6 किसी भी इवेंट का, है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से बड़ा, समझ में। अब 15 पे आते हैं, इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट होगा ही होगा, इवेंट होना ही होना है, गारंटेड है, तो हमें पता है कि अगर कोई इवेंट होगा ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। एक पेन है और हमने पेन से लिखना है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, क्योंकि वो तो सर्टन है, एक ही पेन है मेरे पास और मैंने एक पेन से लिखना है, तो उस पेन से लिखने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, क्योंकि एक ही पेन है, तो उस पेन से लिखने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1, मुझे पेन से लिखना है तो, है ना, तो एक सर्टन इवेंट का, एक निश्चित इवेंट का, एक इवेंट होना ही होना है अगर, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, और एक इवेंट होना ही नहीं है 0, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होता है 0, इम्पॉसिबल इवेंट, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, करेक्ट, और जो होगा ही होगा उसको बोलते हैं सर्टन इवेंट, ठीक है, तो होगा ही होगा वो सर्टन इवेंट, और जो नहीं हो सकता बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे कि मेरे पास में एक पेन है और मैंने मार्कर से लिखना है, एक ही पेन है और मैं मार्कर से लिख ही नहीं पाऊंगा, तो मार्कर से लिखने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0, तो वो क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, हाँ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है।